हो रहा है। आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले सामान्य वर्ग आता है, सामान्य वर्ग में जिसको लड़ना है लड़ लो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वर्ग आता है, उसके बाद एससी वर्ग आता है, उसके बाद एसटी वर्ग आता है, उसके बाद आते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। तो सबकी बारी, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना, लेकिन ये बारी का इंतजार आजीवन कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आप वार्ड मेंबर बना देंगे फिर उसको अपना ही गुलाम बना के रखेंगे, जिला पंचायत बना लेंगे उसको अपना ही गुलाम बना के रखेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेंगे उसको भी अपना ही गुलाम बना के रखेंगे, तो उसने आज़ादी पाई कहाँ? आज़ादी है कोई कहते कि उसने आज़ादी पाई हो? आज भी चले जाइए प्राइवेट सेक्टरों में, मैं सिर्फ बलिया की बात कर रहा हूँ, छोटे वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली एनसीआर का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट